तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है वो हम बिजली बोर्ड से रिलेटेड महकमे पर जो है वो हम बात करेंगे और काफ़ी बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पे निकल के आई हुई है तो उस पर जो है वो यहाँ पे हम कंप्लीट बात करेंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि बिजली बोर्ड में 7,000 कर्मचारियों की जो है वो कमी चल रही है और यहाँ पे 30-35 कर्मचारी जो है वो हर माह जो है वो सेवानिवृत्त यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कर्मचारियों की जो है वो बीते महीनों से जो है वो काफ़ी मौतें भी यहाँ पर हो रही हैं तो इस कारण जो है वो यहाँ पर भर्तियों पर अपडेट यहाँ पर देंगे और क्या अपडेट निकल के कम्प्लीट यहाँ पर आई हुई है इन सभी पर हम आपके साथ बिजली बोर्ड पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा और जो है वो क्यों बिजली बोर्ड में भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं और उस कारण जो मौतें भी जो हैं वो अब यहाँ पे ज़्यादा होने लग पड़ी हैं। हाल ही में जो है वो आपको पता है मौत भी यहाँ पे बिजली बोर्ड में टीममेट की जो है वो हुई है। तो दोस्तों वीडियो को आपने पूरा देखना है और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वीडियो को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप अपडेट को देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे अपडेट को लगाया हुआ है। तो बिजली बोर्ड में 7,000 कर्मचारी तकनीकी कर्मचारी की कमी, 30-35 कर्मचारी जो है वो हर महीने हो रहे सेवानिवृत्त। तो दोस्तों बिजली बोर्ड में जो है वो मैं बता दूं कि ये डाटा जो है वो आज निकल के आया हुआ है कि 7,000 तक तकनीकी कर्मचारियों की कमी जो बिजली बोर्ड में चल रही है दोस्तों और 30-35 कर्मचारी हर महीने जो है वो यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहे हैं और कर्मचारियों को अकेले भेजा जा रहा है लाइन पर और हर माह हो रही है 1-2 कर्मियों की मौत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है वो यहाँ पे एक टीममेट की मौत जो है वो यहाँ पे कुल्लू से रहने वाले थे और अकेले उनको जो है वो लाइन ठीक करने के लिए भेज दिया गया और उसमें जो है वो उनकी मृत्यु जो है वो हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि उस कारण जो है वो यहाँ पे एक जेई और 2 फोरमैन को जो है वो सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, नतीजा ये है कि इन कर्मचारियों को लाइनों पर अकेला भेजा जा रहा है और जहाँ लाइन पर अकेले काम करते हुए कर्मचारियों की मौतें जो है वो हो रही हैं और तकनीकी कर्मचारी यूनियन का कहना है कि हर माह 1-2 मौतें लाइन पर अकेले जा रहे कर्मियों की हो रही हैं। बोर्ड में करीब 7,000 कर्मचारियों की कमी चल रही है लेकिन ना तो बिजली बोर्ड इन पदों को भरने के लिए गंभीर है और ना ही सरकार, तो हर माह जो है वो 30-35 कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। तो राज्य विद्युत बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण कपटा एवं प्रदेश महामंत्री नेकराम ठाकुर ने कहा है कि बिजली बोर्ड का तकनीकी कर्मचारी हिमाचल के 24 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से विद्युत बिजली आपूर्ति देने के लिए स्टाफ की कमी को जो है उस स्टाफ की कम संख्या के होने के बावजूद भी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिजली बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की कमी होने के कारण आए दिन जो है वो यहाँ पे आपके जो है वो यहाँ पे हादसे हो रहे हैं जिसमें कि 1-2 कर्मियों की मौतें जो हैं वो यहाँ पर हर महीने यहाँ पे लाइन पर अकेले काम करने से हो रही है। और आंदोलन की तैयारी में यूनियन, तो दोस्तों यूनियन के उप महासचिव पवन परमार ने कहा है कि पूरे देश में लगातार हो रही इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बिजली बोर्ड अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो यहाँ पे बिजली बोर्ड मैनेजमेंट पर जो है वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया हुआ है यहाँ पे यूनियन ने। तो कुछ वर्षों में दुर्घटनाओं का यह सिलसिला बहुत बढ़ गया है, तकनीकी कर्मचारी संघ बार बार प्रबंधन से वार्ता के दौरान पत्र और बोर्ड प्रबंधन को ये मांग कर रहा है कि तकनीकी कर्मचारियों पर काम का बहुत अधिक बोझ है, इसके लिए समय समय पर भर्ती जो है वो हो जाए। तो बिजली बोर्ड प्रबंधन की जो है वो लेट लतीफ़ी अब सहन नहीं होगी और वार्ता से अगर बात नहीं बनती है तो आंदोलन का रास्ता भी चुना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बिजली बोर्ड यूनियन ने कहा है कि 7,000 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे की जाए जिस कारण जो है वो यहाँ पे आए दिन महीनों में 1-2 कर्मचारियों की दुर्घटना जो है वो मौत हो रही है, इन पर जो है वो रोक लगाई जाए और लाइन पर अकेला कर्मचारियों को काम ना करना पड़े। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की अपडेट हमने आपको बतानी थी और काफ़ी दुखद घटना भी यहाँ पे हुई है कि बिजली बोर्ड में जो है वो यहाँ पे कर्मचारियों की मौत जो है वो हो रही है। तो दोस्तों यही आज की इस वीडियो में हमने बताना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।